हे ऑल, दिस इज विकास शर्मा और आज की सेकंड ब्रेक की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि कैसे आज आपने पहली वीडियो, अगर जिस लोगों ने नहीं देखी, जिन लोगों ने, वो लोग पहली वीडियो जा करके देख सकते हैं। आई बटन में पहली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है, स्टेप टू है और लेसन टू हम बता रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पहली वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस के पहले लेसन की कैसे इंस्टॉल करते थीम को और कैसे आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और कैसे आप अपने, मतलब बेसिकली इंस्टॉलेशन का ही प्रोसेस था। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने लिए कैटेगरी बनाएंगे, पोस्ट क्या होती हैं, क्रिएट पेजेस कैसे करते हैं और मेन्यू कैसे बनाते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू को दिखाना होता है, मेन्यू कैसे बनता है ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मेन्यू कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों को आपको देखना होगा, पेजेस कैसे बनते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, पोस्ट क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सीधा अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है educationmasters.in। मैं आपको इस वेबसाइट पर लेकर के जाता हूँ। इस वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर लिखी गई हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है उत्तराखंड के खनिज तत्व लिखे गए हैं, इंस्टीट्यूट्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड के बारे में लिखा गया है, ये NDA के बारे में लिखा गया है। ये सब क्या कहलाती हैं? पोस्ट होती हैं। जैसे मैं किसी एक टॉप 20 GK बेस्ट GK क्वेश्चन बैंक है, तो ये क्या है कि पोस्ट है, जिसे पोस्ट कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे आर्टिकल भी बोलते हैं कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये क्या होती है? पोस्ट होती है। तो इनको कहा जाता है पोस्ट। तो पोस्ट करना का मतलब होता है कि आपने एक आर्टिकल बना रखा है, उस आर्टिकल को आप वर्डप्रेस में जब पोस्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है वर्डप्रेस में पोस्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका टाइटल लिखा गया है, उसके लिए एक बैनर इमेज बनाई गई है, या बैनर इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है, तो ये आर्टिकल है, लेकिन जब इसे वर्डप्रेस में हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करना होता है। तो देखिए, जब हम सेकंड डे में आते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वही सब बातें थोड़ी सी दोहरा लेते हैं इसमें, कि सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में जाना है और XAMPP टाइप करना है, क्योंकि आपने इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर आप जाएंगे और इसको क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी स्टार्ट दिखा रहा है, स्टॉप स्टॉप वर्ड विंडो 10 में ही ऑलरेडी एक बार स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट ही रहता है, स्टार्ट ही रहता है। आप यहाँ पर स्टार्ट और ये स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। आपको अपाचे और MySQL को रन करना है। जैसे ही ये रन करेंगे आप, फिर आप अपने क्रोम स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे localhost/, आपको याद होगा हमारे ब्लॉग का नाम, तो ये देखिए सर्च में आ गया विकास ब्लॉग। तो ये हमारा ब्लॉग है और इसमें देखिए पहली पोस्ट जो है हेलो वर्ल्ड की रहती है, पहले से ही रहती है, इसमें कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल सा लिखा रहता है वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर पोस्ट। जिस तरह से आप ये एजुकेशन मास्टर की पोस्ट देख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट बाय डिफॉल्ट रहती है। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम लॉगिन हैं, क्योंकि ये मेरा लॉगिन हो रखा था। तो यहाँ पर आप विकास ब्लॉग में डैशबोर्ड पे भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेन्यू आता है पोस्ट का आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि पहला पोस्ट होती क्या है। तो पोस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट है, तो पोस्ट मतलब एक आर्टिकल होता है, लेकिन इस प्रोसेस को जो हम वर्डप्रेस में पोस्ट, मतलब इस आर्टिकल को लाइव करना है, पोस्ट डालना है, इसे हम पोस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे इतनी सारी पोस्ट लिखी हुई है, टॉप 30 हिमाचल जी के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा ब्लॉग है जहाँ पर मैंने ये पोस्ट डाल रखी है। अब हम वापस आते हैं पोस्ट में। तो देखिए, पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैटेगरीज। क्या होती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? कैटेगरीज होती हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आप कि पोस्ट में जो कैटेगरीज आती हैं, यहाँ पर एक कैटेगरी हमें बनानी पड़ती है और हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट के अंदर ऐड कैटेगरी, क्योंकि जब भी आप पोस्ट करेंगे आपको कैटेगरी की जरूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक अनकैटेगराइज बाय डिफॉल्ट रहती है, यहाँ पर आप पोस्ट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि अभी हम एक वेबसाइट ब्लॉग की बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग बना देता हूँ, कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्लॉग है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉग बनाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे क्या क्या होता है, SEO होता है, SMO होता है, और आपका PPC होता है, आपका सोशल में आपका एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लॉग, एक कैटेगरी बना देता हूँ SEO। और यहाँ पर स्लग मतलब कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने लिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो स्लग क्या होता है कि स्लग का मतलब होता है सेम राम ही होता है, बस उसमें क्या रहता है, URL फ्रेंडली बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अंडरस्कोर या डैश हम लगा देते हैं। ये देखो डैश, ये देखो, ये आप देख सकते हैं, स्लग इज अ URL फ्रेंडली वर्जन ऑफ नेम, इज यूजुअली लोअर केस एंड कंटेंट्स ओनली लेटर्स नंबर एंड हाइफंस। तो इसमें हाइफंस लगते हैं, इस तरह से ये स्लग बन जाएगा। तो अभी जैसे मेरी सिंगल कैटेगरी है, तो जैसे मैंने लिखा SEO, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी ऑटोमेटिक वर्डप्रेस इसको बना देता है, आप चाहे इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
पेरेंट कैटेगरी का मतलब कि ये जो एसईओ की कैटेगरी है ये किस में आता है? तो आप यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी आपकी ऑलरेडी एक बनी हुई है, अनकैटेगराइज है, जिसमें ये आपकी क्या है कैटेगरी किस तरह की है, अनकैटेगराइज है। तो अगर आपको उसकी पेरेंट कैटेगरी में डालना है, नहीं इस कैटेगरी के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं कि जैसे आई विल पोस्ट एसईओ RELA रिलेटेड कंटेंट इन दिस कैटेगरी। तो आप चाहो तो इसमें ऐसा लिख सकते हो कि दिस कैटेगरी प्रेजेंट ऑल द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द SEO, ऐसे आप लिख सकते हो। ये जरूरी भी नहीं हो, किसी किसी वर्डप्रेस की थीम पे डिपेंड करता है कि वो कैटेगरी के कंटेंट को लेता है। होता ना बहुत सारी वेबसाइटों की कैटेगरी भी रैंक हो जाती है, मतलब वो कैटेगरी की जितनी पोस्ट है वो रैंक हो जाएगी, तो ये उसके लिए होता है। आप चाहे तो लिखो चाहे तो नहीं लिखो, ये डिस्क्रिप्शन तभी शो होगी जब आपकी थीम में ऐसी फैसिलिटी होगी ऐड न्यू कैटेगरी। जैसे आप ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड हो गई, इसी तरह से आप एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं हम SMO, और ये मैंने SMO ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप क्या ऐड कर दीजिए, आप लिख दीजिए ईमेल मार्केटिंग। देखिए अब मैं आपको ईमेल मार्केटिंग दिखाते हैं, ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पर देखिए हम ईमेल मार्केटिंग हम ऐड कर देंगे। तो अब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लग कैसे देखो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। देखो इसी कैटेगरी को आपको चेंज करना है, आप यहाँ पर आइए एडिट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग को उसने खुद ही स्लग बना दिया, देख रहे हैं आप। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं होता, आपको कुछ चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर दीजिए तो ये वापस आ गया। तो ये हो गया आपका कैटेगरी बन गया है। इसी के साथ साथ आपको अब क्या होता है, पोस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड की ऑलरेडी पोस्ट है। ये पोस्ट बाय डिफॉल्ट रहती है, इसको आप चाहो तो ट्रैश में डाल दीजिए। ट्रैश मतलब कि ये डिलीट सेक्शन में चला गया, याद रखिएगा ये अभी तक डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ कहाँ गई है ट्रैश में गई है, आप इस चीज़ का याद रखिएगा। देखो ट्रैश में अगर आपको कोई पोस्ट चाहिए कि अभी मैं थोड़े दिन के लिए बंद करना चाहता हूँ, परमानेंट नहीं हटाना चाहते, तो आप उसे ट्रैश में डाल दीजिए। अगर आप इसे यहाँ से भी डिलीट करोगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज ये ट्रैश में रहती रहती है। अब देखिए ऑल पोस्ट जीरो हो गई, यहीं पर देखिए सबसे ऊपर क्या है ऐड न्यू का है, या फिर आप यहाँ पर आके भी ऐड न्यू कर सकते हैं, या यहाँ पर देखिए आइकन है यहाँ पर भी आप ऐड न्यू कर सकते हैं। तो तीन जगह होती है जहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी यही विंडो आएगी, अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो भी यही विंडो आएगी, अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो भी यही विंडो आएगी। तो यहां पर देखिए वर्डप्रेस ने एक नया एडिटर दे रखा है जहां पर इसको आप यूज करते हैं। ये डिफॉल्ट एडिटर जो पुराना क्लासिक एडिटर था वो हट गया है, तो क्लासिक एडिटर इस एडिटर में थोड़े नए लोगों को काम करने में थोड़ी समस्या आती है। तो यहां पर मैं वो भी समस्या रिजोल्व करा देता हूं आपकी कि कैसे आप इसको हटाएंगे, क्लासिक एडिटर को लाएंगे। बहुत सारे लोग इसके लिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनको इसमें यूज करना नहीं आता। वैसे तो ये बहुत आसान है, जैसे आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, जैसे वर्ड आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने ये लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप ब्लॉग चूज कर दीजिए, यहाँ पर देखो ये ब्लॉग है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉग मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए, पैराग्राफ आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट बना दीजिए, देखिए लिस्ट, ठीक है। अगर आपको कुछ और चाहिए, ये प्लस आइकन पे चाहिए, आपको इमेज लगानी है आप इमेज लगा दीजिए, अपलोड करिए इमेज को, इमेज अपलोड कर दी आपने, तो ये देखिए अपने आप ही एक चीज़ बनती चली जाती है। ये एडिटर नया एडिटर है, बहुत सारे नए लोगों को इसमें काम करने में समस्या आई है। आपको कोट्स लगाने हैं आप कोट्स लगा सकते हैं, देखो ये अपने आप कोट्स को अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है, ये बहुत सही एडिटर है। अगर आपको इसमें काम करने में समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी है, देखो प्रीव्यू, अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाएगा। देखो ये देखो मैंने टाइटल आ गया, ये आपका मेन कंटेंट आ गया, ये आपकी इमेज आ गई, ये आपका कमेंट सेक्शन होता है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि ये इसमें आपको काम करने में समस्या आ रही है तो आप इसको कट कर दीजिए, वापस डैशबोर्ड पर आ जाइए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आप थीम आप इसके अंदर जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। एक वर्डप्रेस का प्लगइन है क्लासिक एडिटर, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा डाउनलोड बार हुआ है, 5 मिलियन इंस्टॉलेशन आ गए हैं। सोचिए कि इसको 50 लाख लोग देख रहे हैं, उससे ज़्यादा ही लोग कर रहे हैं इसे यूज़, क्योंकि उनको नए एडिटर में थोड़े से इश्यूज आते हैं, ये कॉमन है इशू है। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको प्लगइन में आना है, नया प्लगइन क्लासिक एडिटर डाल देना है, फिर से पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो वाला पोस्ट एडिटर गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल पोस्ट में जाएंगे, पुरानी वाली जो पोस्ट अभी आपने बनाई थी इसको आप यहाँ से देखो, तो नया पूरा नया वाला एडिटर आ गया, इसे आप हटा करके पूरा हटा दीजिए। ये इसका एक कलर बैकग्राउंड कलर भी ले रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट गलत बन गई है, इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर तो आज मैं पहला टॉपिक ही बता देता हूँ, व्हाट इज डिजिटल
मार्केटिंग। तो देखिए मैं आपको पोस्ट करना बस बता रहा हूं कि पोस्ट कैसे करते हैं। आपके पास पहले से ही एक आर्टिकल बना हुआ रहता है, मैं आपको ये बता देता हूं। मैं कोई भी इंटरनेट से आर्टिकल उठा रहा हूं उस टाइम, और उस आर्टिकल को यहां पर पोस्ट कर रहा हूं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये लोकल होस्ट पे है, आप ऐसा उसमें मत कीजिएगा। मैं ऐसे इजीन आर्टिकल से ले लेता हूं, इजीन आर्टिकल, वहां से एक आर्टिकल मेरे को मिल जाएगा कोई अच्छा सा, उसको मैं इसमें कॉपी पेस्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे एक पोस्ट को किया जाता है, ताकि आपको पोस्ट करना भी समझ में आए। तो ये किसी का आर्टिकल है जहां पर व्हेन विद डिजिटल मार्केटिंग, तो इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहां से मैं इस आर्टिकल को कॉपी करता हूं, पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूं यहां तक, ठीक है, यहां तक। और इसको मैंने कॉपी करके सबसे पहले मैं नोटपैड में डाल देता हूं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नोटपैड में क्यों पेस्ट करना होता है, इससे क्या होता है कि जो स्टाइल सीएसएस होती है ना वो नहीं आती है, वो कॉपी नहीं होती है। तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया है, यहां से हटा दिया है, और इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, और वापस से हम अपने ऐड न्यू में जाते हैं। और यहां पर देखिए दो मोड होते हैं, एक होता है टेक्स्ट मोड, एक होता है विजुअल मोड। दोनों मोड में से आपको टेक्स्ट मोड में नहीं विजुअल मोड में काम करना है, और यहां पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। देखो ये आ गया, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पैराग्राफ है आपका। आपको अगर कोई चीज बोल्ड करनी है, जैसे ये सपोज सेक्शन बोल्ड करना है, तो यहां पर आप बोल्ड कर सकते हैं। आपको अगर अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू प्रेस करके अगर करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, जो बेसिक वर्ड में एक्सेल में चलता है आपका। अगर आपको किसी लाइन को कोट्स में बदलना है तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करिए, ये देखिए बैक कोट्स में, देखो ये कोट्स बन जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो सेंटर लाइन हो गया है, ये एक बेसिक एडिटर है। एडवांस एडिटर कैसे आएगा मैं वो भी बताऊंगा। कोई कलर चेंज करना है, यहाँ पर देखिए टॉगल बार होता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कलर चेंज करना है आपको, यहाँ कलर में जाएंगे, देन ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे, तो देखो ऑरेंज हो गया है। अब जो आपने इससे पहले कैटेगरीज बनाई थी, देखो SEO SMO ये है, तो यहाँ पर आपने देखा यार ये तो डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, तो हमें तो कैटेगरी नहीं बनाई, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली कैटेगरीज बना सकते हैं मार्केटिंग। देखिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मिस मत करिए, क्योंकि इस वीडियो को मिस करेंगे आप तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें छूट जाएंगे। मैं बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐड न्यू जैसे करेंगे देखो ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, और जैसे आप इसे करेंगे तो आप पब्लिश करना चाहें डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई है कि कोई फोटो लगानी है, सपोज करो यहाँ पे मुझे कोई इमेज लगानी है, तो ऐड मीडिया में जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में आपके पास एक ऑलरेडी फोटो है, नहीं तो आप अपलोड में जाइए, यहाँ पे ऑलरेडी जो फोटो आपने अपलोड कर दी है वो आती है, और अपलोड मीडिया में जाएंगे, कोई भी फोटो आपको चूज करनी है, ये फोटो आपने ले ली है। यहाँ पर ये ऑल्ट टेक्स्ट पूछता है इमेज का, तो आप डाल दीजिए डिजिटल मार्केटिंग, ऑल्ट मतलब कि इमेज के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। सपोज टाइटल आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, आप लिख दीजिए। टाइटल लिखने से क्या होगा अभी आपको बताऊंगा, टाइटल लिख दीजिए। कैप्शन लिखना है, कैप्शन भी लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन लिखने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, इंसर्ट इनटू द पोस्ट, तो ये आ गया है। इसी इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट का सेक्शन है, यहाँ पर आप इमेज को फुल साइज में भी दिखा सकते हैं। देखो ये बड़ी हो गई है, और बड़ा करना है आप इसको बड़ा कर सकते हो, एडिट पर जाइए, फुल साइज में आ जाइए, 1280x720 आ गई है, ये देखिए 1280x720 अपडेट। तो देखो ये इमेज आ गई है, अभी यहाँ डिज़ाइन की वजह से पूरा बड़ा नहीं हुआ है। ये देखिए कंटेंट पार्ट होता है कि आपको इमेज को कंटेंट के बीच में लाना है, साइड में लाना है, आपको ऊपर नीचे रखना है, जैसे ये वाला होल रखा है ऑलरेडी। तो जो आपने जो टाइटल डाला था, तो देखिए इमेज के ऊपर जाने के बाद जब आप इसे पेज को हम प्रीव्यू दिखाएंगे तब आपको बताऊंगा। यहाँ देखो कैप्शन जो है वो देखो नीचे आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग जो आपने लिखा था। साथ ही साथ इस पोस्ट से रिलेटेड आपको क्या लगाने होते हैं, टैग। तो टैग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग आप इसमें टैग डाल देंगे। आप क्या लिख देंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये टैग्स हैं, टैग्स मतलब कि ये जो पोस्ट है वो क्या लिखी गई है, तो आप यहाँ पर टैग्स डाल सकते हैं। अमूमन यहाँ पर लोग 3-4-5 टैग डाल देते हैं, हम जनरली लोग इनको थोड़ा कीवर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन कीवर्ड और टैग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है कि इस पोस्ट से रिलेटेड फीचर इमेज आपको क्या लगानी है, तो आप फीचर इमेज भी डाउनलोड करके कुछ लगा सकते हैं। आपको कोई भी फीचर अगर आपको लगानी है आप ये लगा सकते हैं, जो भी आपने इससे रिलेटेड इमेजेस बना रखी हैं, सेम प्रोसेस है। देखो फीचर इमेज आ गई है, देन उसके बाद आपने इसको देखना है प्रीव्यू में। ये देखिए प्रीव्यू में क्या होगा, देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरी फीचर इमेज आ गई है ऊपर, ये मेरा कंटेंट यहाँ से आ गया है, ये मैंने दूसरी इमेज लगाई है, ये इसका कंटेंट आ गया है। अब ये थीम ही ऐसी है तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं डिज़ाइन में, अभी आप ध्यान मत दीजिए। जब भी आप वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आपको कम से कम 10 से 12 पोस्टें उसमें डालनी है,
हम डिजाइनिंग पे बाद में जाएंगे, पहले पोस्ट डाल दीजिए उसमें बहुत सारी, मतलब 10, 12, 15, 20 जितनी भी आप डाल सकते हैं डाल दीजिए, जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी उतना डिजाइन बाद में अच्छा बनेगा। अभी आप देखना इसी पोस्ट पे हम 10-12 पोस्ट डाल के रखेंगे, जब मैं आपको कल थीम चेंज करना सिखाऊंगा तो मैं पहले से पोस्ट डाल के रखूंगा, इसमें बहुत सारी पोस्ट है। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है, इससे रिलेटेड मैं इंटरनेट से पोस्ट डाल रहा हूं अभी फिलहाल, लेकिन जब आपका अपना ब्लॉग होगा तो आप अपनी ही पोस्टें डालेंगे उसमें। आपका ब्लॉग गिटार से रिलेटेड हो, हॉबी से रिलेटेड हो, कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। अगर आप चाहते हो कि इसे सेव ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट मतलब ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ये पब्लिश नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्राफ्ट में सेव हो गया है, ठीक है। ये हो गया एक पोस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ आप आज के जो सेशन में होना है हमारा कि हम पेजेस कैसे बनाते हैं, तो जैसे पोस्ट है तो पोस्ट में आ गया, इसी के नीचे देखिए यहाँ पर पेजेस हैं, पेजेस में आप जाएंगे ऑल पेजेस में, इसने एक बाय डिफॉल्ट पेज दिया होता है प्राइवेसी पॉलिसी का सैंपल पेज, लेकिन आपको अगर ऐड न्यू करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे पेज। तो पेज होते हैं हमारी वेबसाइट में, जैसे आपको पेज है तो कैसे होते हैं, जैसे होम, जैसे आपका अबाउट अस, अबाउट अबाउट अस आपका एक पेज हो गया, तो इसके बारे में आप लिख दीजिए, अबाउट अस के बारे में लिख दीजिए, दिस इज ए बी ओ यू टी अबाउट अस पेज, जहाँ पर आप अपने बारे में लिखते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, अगर स्कूल है तो स्कूल के बारे में आता है ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। ये आपने क्या कर दिया है, इसकी कोई कैटेगरी कुछ नहीं होती, अगर आप फीचर इमेज लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, जनरली लोग इन पेजेस में फीचर इमेज वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसका कोई पैरेंट पेज है वो लगाना चाहें, टेम्पलेट आपको सेम रखना है, सेम ही टेम्पलेट रहेगा, टेम्पलेट में कोई चेंजेस नहीं करनी है, पूरा एडिटर वैसा ही है जैसा पोस्ट में होता है पब्लिश। तो इस तरह से देखिए हर वेबसाइट में आपने अगर देखा भी होगा, आप वेबसाइट डेवलपमेंट करने आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ पेज कॉमन है, जैसे कि अबाउट अस, सी ओ एन टी ए टी कॉन्टैक्ट अस, ये देखो सी ओ एन टी ए सी टी कॉन्टैक्ट अस, ये देखिए ये पब्लिश, इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया है। मैं चाहूँ तो इसमें लिख सकता हूँ कि कॉल अस ऑन 90xxxxx, ये मेरा नंबर मैंने डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी, ईमेल आईडी suyalvikas@gmail.com, ये मैंने डाल दिया है, वेबसाइट वेबसाइट हमने डाल दी कि हमारी वेबसाइट है, हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.dsom.in। अब देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक नहीं बनाया, तो इसे सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वापस से दोबारा वेबसाइट का नाम लिख देंगे www.dsom.in एंड ये हमने इसको प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको करना होता है कॉन्टैक्ट अस में, जो भी आपको लगाना है, इसमें मैप कैसे लगाते हैं या इसमें इंटरनेट वाला मैप कैसे जोड़ेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी और इसको हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है, और अपडेट करते ही सर ये हमारे पास नजर आएगा। प्रीव्यू आप देखना चाहें फिर से प्रीव्यू देख सकते हैं, तो कॉल अक्स का ये हमारा ईमेल एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम पेजेस बनाने में करते हैं। हमने अभी तक दो पेजेस बना दिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको कोई और पेज बनाना है, जैसे सर्विसेज का पेज बनाना है, servicesसर्विसेज का पेज आपको बनाना है, तो सर्विसेज का पेज में आर सर्विसेज करके आपको, तो यहाँ पर आप सर्विसेज लिखना चाहें, servicesसर्विसेज, जैसे हम सर्विसेज लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एंटर करिए, ये आपका लिस्ट एट्रीब्यूट है, जैसे आप लिख देते हैं डिजिटल। मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ अभी सिर्फ पेज बनाने के लिए, ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रॉपर ऐसा हम बना रहे हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ SMO सर्विस, बस आप समझिए कि पेजेस बनते कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे पुट होनी है, वो फिर एज पर द क्लाइंट होता है या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप पेज में लिख सकते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे पब्लिश। तो हमारे पास तीन पेज बन गए हैं और हमारे पास एक पोस्ट आ गई है। अब आती है बारी कि हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। तो देखिए जो मैंने ब्लॉग ले रखा है वो थोड़ा सा लुक ऐसा आता है, देख रहे हैं आप, ये मेरा नाम है, यहाँ पर अबाउट अस आ गया, ये कॉन्टैक्ट अस अपने आप इसने ले लिया है, सैम्पल पेज सर्विसेज, ये ऑटोमेटिकली इसने देखो मेरे पेजेस ले लिए हैं मेन्यू में, और जो मैंने पोस्ट डाली है वो रिसेंट पोस्ट इसमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये थीम जो है थोड़ी सी अलग है, इसको थोड़ा सा थीम को हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि मेन्यू कैसे बनते हैं। तो मेन्यू में देखो यहाँ पर अपेयरेंस में आप आएंगे, मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी एक मेन्यू बना हुआ यहाँ दिखा रहा है डिफॉल्ट में, यहाँ पर मैं बना दूंगा पी प्राइम मेन्यू, तो PRIM प्राइम मेन्यू, यहाँ पर हमने बना दिया प्राइम मेन्यू करके, ये प्राइमरी मेन्यू है मेरा। यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर देखो पेजेस कैटेगरी पोस्ट कस्टम लिंक, तो देखो मैंने अभी तीन पेजेस बनाए हैं, देखो सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, और इसको मैं यहाँ पर प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि ये थोड़ा गड़बड़ होता है जब नए लोग रहते हैं उनको नहीं बना पाते हूँ,
आपको अपने तीनों चारों पेज सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर हम ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर आ गए हैं। व्यू ऑल पे करेंगे तो हमारा एक होम पेज भी होता है, इसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे। तो देखो होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, ये चार चीजें मेन्यू में आ गई हैं जो हमने प्राइमरी मेन्यू में सेटअप किए हैं। और ये यहाँ पर कहाँ पर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, ये मेन्यू की पोजिशंस हैं। आपको यहाँ पर आके पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर थीम में कितने मेन्यूज लग सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस वेबसाइट में, जो ये वेबसाइट की थीम है हमारी, इसमें 5 मेन्यू लगाए जा सकते हैं, ये उनकी पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल मेन्यू में जा करके इसको सेव कर देता हूँ और अपनी वेबसाइट में आकर के इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो ये होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, ये हमारे क्या आ चुके हैं, यहाँ पर मेन्यू आ चुके हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो है जहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पोस्ट कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं और उसको मेन्यू में कैसे सेट करते हैं। आपको अलग अलग, अगर आप चाहते हो कि ये आपके फुटर मेन्यू में भी नज़र आए तो यहाँ पर भी आप सेव कर दीजिए। तो यही सेम मेन्यू आपको आपके फुटर में भी नज़र आएगा, अगर इसमें फुटर जैसे होगा तो इसमें भी नज़र आएगा। ये देखो इसका फुटर मेन्यू ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी नज़र आएगा। मैं एक थीम भी चेंज कर लेता हूँ, अपेयरेंस के अंदर एक थीम सेक्शन होता है, यहाँ पर हम आएंगे तो थीम को ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी एक बेसिक सी थीम ले लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर लाइक दिस, ये मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा थीम क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए और आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा। देखिए थीम इंस्टॉलेशन करना एक अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हमारा पूरा थीम पे ही है कि थीम कैसी होती है, एक्टिवेट इसको कर लेंगे। फिलहाल अभी आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए मैं ये बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे रिफ्रेश कर लिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू आ गया होम सर्विस अबाउट अस और ये विकास ब्लॉग, और अभी कोई भी थीम, कोई भी पोस्ट नहीं दिखा रहा है। तो चलते हैं पोस्ट में और ऑल पोस्ट, तो ऑल पोस्ट पे चेक करते हैं कि हमारी क्यों ये थीम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये थीम कहाँ पर है, ये पोस्ट कहाँ पर है, ड्राफ्ट में है। तो इसको दोबारा से क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करके फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये हमारी एक पहली पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ये हमारे थीम, हमारी वेबसाइट का टाइटल है, ये हमारे मेन्यूज़ है और ये हमारा ब्लॉग का पहला ब्लॉग है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये हमारा ब्लॉग आ चुका है। तो धीरे धीरे हमारी वेबसाइट पे मेन्यू आ गए हैं, नाम आ गया है, कैटेगरीज, ये पोस्ट आ गए हैं, विडजेट होते हैं, ये आप पोस्ट के इस तरह से आप देख सकते हो पोस्ट है। कल इसमें जो है मैं 4 से 10 पोस्ट इसमें डाल के रखूँगा और कल आपको सिखाएंगे थीम इंस्टॉल कैसे करनी है, थीम चूज़ कैसे करते हैं और बेस्ट थीम आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, जो हमने भी पेड ले रखी हैं आपके, उनको लिंक मैं अवेलेबल कराऊंगा ड्राइव के, वहाँ से आप उन थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। पेड थीम्स हैं लेकिन ये फ्री थीम्स हैं, पहले आप काम को समझिए, सीखिए और इतना काम करिए, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी वर्डप्रेस को अच्छे सीख पाएँ और अपने लिए एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बिल्ड कर पाएँ। याद रखिए ब्लॉगिंग की वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बना सकते हैं। लर्निंग, जीरो कोडिंग स्किल्स हैं, ये देखिए ये सब कुछ बिना कोडिंग के लिए आ रहा है। वेब 2.0 इसको कहा जाता है, बस कुछ क्लिक्स और आपकी वेबसाइट रेडी। बट ये ब्लॉगिंग तक काफ़ी सीमित है, उसके अलावा अगर आपको एडिशनल सीखना है तो थोड़ा सा आपको, जब हम नेक्स्ट सेशंस में हम जाएंगे तो वहाँ पे ये थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएगा, तो वहाँ पर हम आपको एलिमेंटर पे सिखाएंगे ताकि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ डिज़ाइन बना पाएँ। तो आज के लिए काफ़ी है और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें आपने एक बार सीख ली हैं उसको एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार ट्राई करिए, वापस से डिलीट करिए, फिर से वही सेम काम करिए, ताकि वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।